खबर जनपद मिर्जापुर से। मिर्जापुर के सुप्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी धाम में शारदीय नवरात्र के 8वें दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लगाई हाजिरी, विधिवत किया दर्शन पूजन। सचिव ने जनपद के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण और भ्रमण भी किया, वहीं साथ ही आयुक्त कार्यालय पर अधिकारियों संग बैठक की। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। जो लाइन है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है। बच्चों का एकेडमिक जो हमारी गाइडलाइन है 4 ईयर की, और जितने डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से डेमोस्ट्रेशन ग्रुप एंड विभाग वो सब यहाँ पर है। हॉस्टल हमारे पास जो यहाँ पर निर्धारित किए गए थे 300 बच्चों के रहने का रजिस्ट्री यहाँ पर हॉस्टल में छात्रावास, अभी हमारे पास तीसरे 3 सालों मिला के 115 करीब बच्चे हैं और बाकी हमारे पास बॉयज है। तो सर एक तो मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज में गया था, मेडिकल कॉलेज में देखा जो जो वहाँ पे काम हो रहा है और क्या काम और होना है उसके बारे में पूरा विस्तार से मैंने समीक्षा किया। जो चीज़ें होनी है उसके बारे में मैं प्रदेश सरकार में जाकर के वहाँ के इनके डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव और जो कार्यदायी संचालक के साथ अलग से बात करेंगे। और अभी मैंने जिला का बहुत सारे काम जो राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे काम हो रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे वो पीने के जल के बारे में हो, शिक्षा विभाग के बारे में, प्राइवेट स्कूल के बारे में हो, आंगनबाड़ी के पोषण के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, हमारे पशुधन के बारे में हो, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम जो हैं जो राज्य सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर डिजिटल क्रॉप सर्वे जो हमारे प्रदेश में 21 जनपद लिए गए हैं, यहाँ पे 100% इस बार डिजिटली जो है सर्वे किया गया। सामान्य तौर पे आपको मालूम है कि जो हमारा लेखपाल होता था, लेखपाल जाकर के वो पड़ताल किया करता था और खसरा पड़ताल करने के लिए कई बार वो अपने घर में ही बैठ कर के कर लेता था। तो वहाँ पे मौके पे फसल लगी है धान की और वो दिखा दिया जो वहाँ पर मक्का लगा हुआ है, या मक्का लगा तो उसको दिखा दिया कि गन्ना लगा हुआ है। अब इसको कोई झुठला नहीं सकता। अब आज उत्तर प्रदेश में हमारे लगभग 60% प्लॉट का, हर प्लॉट का GIS रेफरेंसिंग हो गई, जियो रेफरेंसिंग हो गई। और जियो रेफरेंसिंग होने के नाते जैसे आपका और हमारा नाम है, हर प्लॉट का लगभग 7.5 करोड़ प्लॉट है 100% अगले एक महीने के भीतर भीतर नवंबर में हमारे 100% प्रदेश के हर प्लॉट का अपना नंबर हो जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि अब वो जाकर के हमारे लेखपाल या हमारे किसान सहायक वो जाते हैं और जाकर के उसको वहाँ पे मौके पे फ़ोटो खींचते हैं तो उसका लैट लॉन्ग है, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जिसको अक्षांश और देशांतर कहते हैं, तो उसके माध्यम से हर प्लॉट पहचान में आ जाता है। उस प्लॉट के ऊपर क्या फसल लगी, एक फसल लगी है, मल्टीपल फसल लगी है, वो आ जाता है और ऑटोमेटिक सिस्टम पे वो अपलोड हो जाता है। तो इससे हमें जानकारी, इसके फ़ायदा ये होगा कि अब हम पूरा प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले रबी के फसल में। हम 100% पूरे प्रदेश के, अभी तो 21 जनपदों में हमने 100% कराया, बाकी जनपदों में 10 गाँव कर लिया था और अगला वाला रबी फसल हम 100% सारे गाँव के पूरे प्रदेश के। और उससे ये हो जाएगा कि हमारे जब हर प्लॉट के बारे में जब जानकारी मिलेगी तो भविष्य में हम उसको प्लान भी कर सकते हैं, हमें कितनी क्या चीज़ की बीज की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमें जो है उर्वरक की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमें सिंचाई की रिक्वायरमेंट है, हमें अगर कहीं पर कोई डिजास्टर होता तो कितना नुकसान हुआ उसका हमें असेसमेंट कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में जो हमारा प्रोक्योरमेंट होने जा रहा है, पैडी का प्रोक्योरमेंट होने जा रहा है, तो अब किसान को कहीं सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम पे बना हुआ है। आने वाले समय में हम एक एक एडवाइजरी भेज सकते हैं कि आप यहाँ पे ये लगाएं वैसे करें, यानी एक एक किसान के साथ रिश्ता कल्याण डिपार्टमेंट कर सकता है। और मुझे बड़ी खुशी ये जान करके कि मिर्जापुर में लगभग 99.4% यहाँ पे इस काम को पूरा कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है मिर्जापुर के लिए। और भी हमारे जनपदों ने जैसे जरूर सभी ने बहुत अच्छा काम किया। विंध्य कॉरिडोर को भी हमने देखा कि काफ़ी सारा काम हुआ है, चाहे उसके जो बरकोटा का काम होना हो, चाहे उसके जो रोड के ऊपर काम होना हो, गेट्स के ऊपर काम होना हो,
उसके अंडरग्राउंड उसको जो कैबलिंग वगैरह का काम, तो काफ़ी सारा काम होगा। मैं समझता हूँ कि एक दो महीने के भीतर भीतर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और कैसा काम हुआ वो तो आप लोग देखें, कल मैं करीब 8-9 बजे के आसपास जाऊँगा देखने के लिए। और काम के बारे में मैंने कहा कि क्वालिटी भी हो, सस्टेनेबिलिटी भी हो, वैसा मुझे यह सारा प्रेजेंटेशन दिया कि उसके हिसाब से मुझे देखने लगा कि काफ़ी अच्छी प्रगति और बहुत जल्दी ये कार्य कम्प्लीट हो जाएगा।